हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डिजाइनर नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेस लगाकर बाजू का डिजाइन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, बाजू की कटिंग मैंने की है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, बाजू को हमने इस प्रकार से खोलना है, ठीक है। ये देखिए, ये बाजू की सीधी साइड है और लेस को आपने ऐसे लेना है, लेस को आपने ऐसे रखना है, ठीक है। तो आपने सिलाई कहाँ लगानी है, इस जगह पर। चलिए मशीन पे चलते हैं, मशीन पे जाकर मैं आपको बताता हूँ लेस कैसे लगानी है। सिलाई आपको यहाँ पर लगानी है, ये देखिए पैर पैर की सिलाई। ये देखिए दोस्तों, सिलाई मैंने लगा दी है। अब क्या करना है, लेस को हमने ऐसे पलटना है और यहां पर हमने किनारे किनारे की सिलाई लगानी है। ये देखिए दोस्तों, ये वाली किनारे की सिलाई मैंने लगा दी। अब हमने एक पट्टी लेनी है, जो पट्टी की वाली चौड़ाई है हमने लेनी है 2 इंच की, ठीक है। और आपने क्या करना है, पट्टी को ऐसे रखना है। ये देखिए, पट्टी को ऐसे रखना है, ठीक है। और ये बाजू को आपने ऐसे रखना है, ये देखिए इस तरीके से। सिलाई कहाँ लगानी है आपको, ये देखिए कपड़ा मैंने नीचे रखा, ठीक है। उसके ऊपर मैंने ये बाजू को रख दिया है और ये वाली साइड सीधी है। आप देख सकते हैं ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब इस पट्टी को हमने इस तरीके से कर देना है, ठीक है। अब आपने दोस्तों क्या करना है, ये देखिए इस पट्टी को ऐसे मोड़ना है, ठीक है। इतना फोल्ड किया, उसके बाद इस वाले कपड़े को आपने इसके ऊपर पलट देना है। ये देखिए, ये वाली सिलाई मैंने लगा दी। अब इसमें क्या करना है, अब दोस्तों आपने बाजू को ऐसे फोल्ड करना है। उसके बाद आपने ये देखिए, यहां से कम आपने 5 इंच का निशान लगाना है और 5 इंच का निशान यहां लगाना है। अब दोस्तों इस निशान से आपने कट कर देना है। उसके बाद आपने बाजू को ऐसे खोलना है, ठीक है। इसे भी हम खोल देते हैं। और इस लेस को हमने कैसे लगाना है, ये देखिए यहाँ पर रखना है और यहाँ पर हमारी सिलाई आ जाएगी। ये देखिए सिलाई मैंने लगा दिया। अब हमने ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर किनारे किनारे की सिलाई हमने लगा देनी है इसके ऊपर। अब ये फालतू लेस को हमने कट कर देना है यहाँ से। उसके बाद आपने बाजू को ऐसे रखना है, ठीक है। ये देखिए, ये वाले हिस्से को हमने कैसे करना है, इसे हमने ऐसे उठाना है इस तरीके, लेस के ऐसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब बाद में आपने इसे पलटना कैसे, ये देखिए ऐसे करेंगे और इस तरीके से आप पलटेंगे और आपकी सिलाई कहाँ आएगी, यहाँ पर। ये देखिए मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब हम इसे कर देंगे सीधा, ठीक है। ये देखिए इसका लुक किस इस प्रकार से है। अब यहाँ पर भी हमने किनारे की सिलाई लगा दी, जिससे कि ये वाला मार्जिन हमारा अच्छे से बैठ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से जो फालतू कपड़ा निकल रहा है, हम इसे कटिंग करके अलग कर देंगे। अब आपने क्या करना है, इसमें डालनी हमने पिनटेक्स, ठीक है। अगर ना भी डालें तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए यहाँ से 1 इंच का निशान लगाना है हमने, ठीक है। 1 इंच का निशान फिर लगाना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से भी 1 इंच का निशान, फिर उसके बाद 1 इंच का निशान। तो आपने क्या करना है, ये देखिए 1 इंच का निशान आप यहाँ पर लगाएं। सबसे पहले हमने यहाँ से सिलाई उठानी है, ये देखिए ऐसे, और यहाँ पर एक किनारे किनारे की सिलाई लगा देनी है।
ये देखिए ये पिनटेक्स मैंने लगा दिया, यहाँ से एक इंच का निशान आपने लगा देना है इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ से इसे उठाएंगे और यहाँ से ऐसे उठाया जाएगा, फिर उसके बाद इस तरीके से करने के बाद आपने यहाँ पर भी किनारे किनारे की सिलाई लगा देनी है। किनारे किनारे की सिलाई को हम पिनटेक्स बोलते हैं। यहाँ पर दो पिनटेक्स आ गई। अब क्या करना है ये देखिए, एक इंच का निशान हमने ऐसे लगा दिया इस साइड, और एक इंच का निशान हमने इस साइड लगा दिया है। अब यहाँ से भी हमने इस तरीके से पकड़ना है, ये देखिए यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। उसके बाद इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है इस तरीके से, और यहाँ पर भी किनारे की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए सिलाई लगा दी। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी ये वाली सिलाई लगा देनी है। ये देखिए दोस्तों डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, दोस्तों मुझे सपोर्ट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।